हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, जो बहेलिया होता है ना, जब उसको किसी चिड़िया का शिकार करना होता है, बहुत सारी चिड़ियाओं को एक साथ पकड़ना होता है, वो क्या करता है, पहले वो दाना डालता है, ठीक है ना। आज दाने डाले उसने, वहां पर चिड़िया आती हैं, बैठती हैं। शुरू शुरू में चिड़ियाएं नहीं आती हैं, जब वो आने लग जाती हैं तो एक के बाद एक दूसरे को देख करके वहां पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया खाती है, उड़ जाती है, फिर बहेलिया और दाना डालता है, चिड़ियाओं का विश्वास बन जाता है। फिर एक चिड़िया दूसरे को बताती है, चलो वहां दाना है, वहां आकर के लोग झुंड लग जाता है। अब यहां पर क्या होता है, इसी बीच में बहेलिया जाल डाल देता है, तो जाल में बहुत सारी चिड़िया एक साथ फंस जाती हैं। तो कुछ चिड़िया जो पहले दाना खा के जा चुकी थी, वो पेड़ पर बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं कि चलो अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही खा के आ गई थी, तो मैं फंसने से बच गई। दूसरी चिड़िया जो कि एक बार खाना खा के जा चुकी थी और दोबारा दाना चुगने आ गई थी, वो अपने आप को कोस रही होती है कि यार मुझे पता है कि ये साले बहेले लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं भी जाल में फंस गई लालच के चक्कर में। एक बार खा लिया था, पेट तो भर गया था, दोबारा चली आई और फंस गई। और बाकी जो नई चिड़िया थी, जो पहली बार उनके बुलावे पे आई थी, वो भी उसको कोस रही थी कि मेरे को फंसा दिया ला करके यहाँ पर, खुद तो खा के उड़ गई। तो ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में चल रही हैं जो कि ठीक इसी तरह से लोगों को शिकार बनाती हैं, और लोग भी इतने बेवकूफ हैं। वो कहते हैं, कहावत हिंदी में है कि लालचियों के शहर में बेईमान कभी भूखा नहीं मरता। तो ये सब कहावतें मैं क्यों कह रहा हूँ, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। और इस विषय पर मैं पहले भी बात कर सकता था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर RGA नाम की एक एप्लीकेशन चल रही है मार्केट में और बहुत पैसा दे रही है और बहुत ज्यादा चैरिटी कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो चैरिटी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या सीन है। पता चला कि वो वही एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अर्निंग वाली, इन्वेस्ट करो, इतना पैसा डालोगे इतना निकल जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक बार इसको पता करते हैं क्या है, वीडियो बनाऊंगा तो लोग गाली देने आ जाएंगे कि भाई तू तो व्यूज लेने के लिए वीडियो बनाता है फलाना ढिमका। तो आज की तारीख नोट कर लो, 23 अक्टूबर 2024, कंपनी भाग चुकी है, नोटिस सुबह सुबह आ चुका है। नोटिस में क्या लिखा है, अच्छा इसके पहले मैं बता देता हूँ कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था। मैंने RGO को कॉन्टैक्ट किया था, RGO एक USA की कंपनी है जो ब्रांड बिल्डिंग का काम करती है। उसको मैंने मेल लिखा, मैंने कहा भैया तुम्हारे नाम पे इंडिया में चैरिटी हुई चली जा रही है, इतना बिजनेस चल रहा है इंडिया के अंदर, कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्या तुम ही कर रहे हो। तो उन्होंने मेल पे रिस्पॉन्ड देना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद मुझे लगा कि आप तो कुछ करना चाहिए। आमतौर पर अगर आपको किसी भी कंपनी से, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, उससे रिस्पॉन्स चाहिए तो ओपनली आप जाकर के एक्स पर बात कीजिए। मैंने एक्स पर बात की, 2-3 दिन पहले मैंने बात की एक्स पे, मैंने पोस्ट किया, मैंने कहा भाई साहब ये तुम्हारे नाम पे चैरिटी चल रही है, क्या तुम लोग कर रहे हो, क्या तुम इंडिया में एग्जिस्ट करते हो। तो उन्होंने ना पूछने पे दोबारा भी एक बार लिखा कि आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई, एंड देन आई गॉट रिस्पॉन्स कि नहीं नहीं हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। और उसके बाद आज सुबह 23 तारीख को एक नोटिस आ गया है, इतना ही काफी है। इसके बाद आप समझ सकते हो कि कंपनी भाग चुकी है, और इस नोटिस के तहत वो कह रहे हैं कि वी आर प्राउड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट RGA मार्केटिंग लिमिटेड हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सरासर झूठ है। इसके पहले भी इस अलीबाबा 40 चोर गैंग की तमाम सारी इस तरह की एप्लीकेशन आई है और भाग के गई है, और उस समय भी उन्होंने यही कहा कि हम SBI में अकाउंट खोल रहे हैं, हम यहाँ अप्रूव्ड हो गए हैं भारत सरकार की तरफ से, हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, तो हमें आप लोगों से इतना पैसा चाहिए। कुछ लोग टी शर्ट के नाम पे पैसा मांगते हैं, कुछ लोग सर्वर के नाम पे पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल करके पैसा मांगते हैं, क्योंकि ये इनकी लास्ट टेक्निक होती है पैसा लेने की। अब तक इन्होंने बाजार में बहेलिया बन करके बहुत सारे दाने फ्री में लोगों को चुनाए, और उसके बाद आज के समय में जब करोड़ों रुपए यहाँ इकट्ठा हो गए, और मैं आपको बता देता हूँ कि इनका खुद का कहना है कि 20 लाख से अधिक लोग जो है वो इस कंपनी से जुड़े हुए थे, और आप देख लो भर भर के चैरिटी के वीडियो, बड़े बड़े उम्र दराज लोग जो कि इतने सेंसिबल लगते हैं वो भी इस मूर्खता में शामिल हैं, नागालैंड से लेकर मतलब देश का कोई हिस्सा नहीं छूटा जहां पर इनकी बड़ी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन, बड़ी मीटिंग्स, बड़े नो कुरकुरे ही बट रहे हैं, कहीं उसके ही वीडियो डाले जा रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी आज तक देखी नहीं, जो कि इतनी दरिया दिल कंपनी है कि जो कमाती है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है चैरिटी में चलाता है। तो इस कंपनी का जो मोटो है वो चैरिटी ही दिखाया गया था कि चैरिटी करती है, जबकि इस कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं था। तो वहां बताया, बताने के बाद एक्शन हुआ, अब ये केस स्टडी के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कोई आपको चीज दिखता है मतलब वो स्कैम है साफ साफ, ठीक है ना। अब इनका नोटिस पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूं मोटे मोटे तौर पे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियरली लिखा है पैसे मांग रहे हैं
कि जॉब वन, अच्छा इसमें क्या था कि जब आप ज्वाइन करते थे तो उसके अलग अलग लेवल थे, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, कि 3 दिन तक आप जॉब वन में रहोगे इतना कमाओगे, जॉब टू में इतना कमाओगे। देखो बाकी बताने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझ लो, जो लोग ज्वाइन किए थे वो तो जानते ही, उनके पैसे तो लुट गए, अभी रोएंगे नीचे लिखेंगे आकर के। अच्छा जॉब 10 तक इन्होंने लिखा है कि आपको जॉब वन में जो लोग थे कैटेगरी में उनको 450 जमा करने हैं, फिर वही 2, 3, 4, 1200, 3000 और 7 लाख और 13 लाख रुपए तक जमा करना है। और बता दूं इस कंपनी का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि आपको 1800 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक जमा करना होता है, और उसमें एक एक दिन में ये 20-25% की रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, अनाप शनाप रिटर्न दे रहे हैं। और वो मूर्ख चिड़ियाएं जिनको अक्कल नहीं है कि आज अगर बहेलिया ने सस्ता दाना डाला है और कल महंगा डालता जा रहा है, तो तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम लगाते चले जा रहे हो पैसा, मतलब तुमको पता है कि ये सारी जो बिजनेस है ये बाहर से ऑपरेट करते हैं, इंडिया से ऑपरेट ही नहीं करते, चाइनीज वेबसाइट है, पैसा लेते हैं UPI के थ्रू रेंटेड अकाउंट में, और जो पैसा विड्रॉल आता है उस पैसे पे भी फ्रीज लग जाता है। जाने कितने लोगों ने मुझे आकर बताया कि सर फला अर्निंग ऐप से मैंने पैसे लिए थे और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, लेकिन नहीं हम तो मूर्ख हैं, मैंने बताया ना हम तो मूर्ख हैं, हम तो लगाएंगे, हम तो लालची हैं, और लालच का फल यही होता है। इसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अब भाग चुकी है, दी एंड हो चुका है, ये लास्ट इनकी कोशिश है कि इतना इतना पैसा ये लोग ले सके आपसे, और साफ साफ लिख दिया है कि 23 अक्टूबर 9 बजे सुबह 9 बजे से 23 अक्टूबर से लेकर के कल 24 अक्टूबर के शाम को 6 बजे तक ये पीरियड है। इस पीरियड में अगर आप ये पैसा जमा कर देते हैं तो आपके पैसे आपको विड्रॉल मिल जाएंगे 25 तारीख को, नहीं तो जो भी आपके अकाउंट में है वो सारा साफ, मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, जितने लोगों को भी आपने इस फर्जी कंपनी के अंदर फंसाया था, अब वो आपको कोसने वाले हैं और गाली देने वाले हैं। साफ साफ लिखा है नीचे, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स RGA विल मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी एंड एडजस्ट मेजर्स इन टाइमली मैनर बेस्ड ऑन फीडबैक टू अचीव द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर एक्सपेंडिंग RGA's बिजनेस इन इंडिया अंडर द न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये कुछ पॉलिसी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला, इनके दो कल का मैसेज पढ़ो आप क्या लिखा है। इन्होंने कल एक मैसेज लिखा था कि 72 घंटे में निकासी होगी, क्योंकि इनका पैसा रुका हुआ है, अभी विड्रॉल रुका हुआ है। कंपनी को भागना नहीं था फिलहाल, लेकिन क्या होता है जब एक्चुअल कंपनी, ओरिजिनल कंपनी जब इसके बारे में सर्च करती है, उनके डोमेन्स को ब्लैकलिस्ट कराती है, तो फिर इनको भागना पड़ता है। क्योंकि आप देख सकते हो अभी ये 29 अक्टूबर को एक मीटअप प्लान था दिल्ली में, भाई साहब एक मीटअप प्लान था, उसमें साफ साफ लिखा है कि RGA की आधिकारिक टीम 29 अक्टूबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस मीटिंग का आयोजन RGA मार्केटिंग विभाग और दिल्ली ऑफिस के प्रमुख द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। हम इस मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे। ये मतलब एक पैटर्न है ये, लेकिन फिर भी लोगों को दिमाग नहीं है कि लोग इस तरह की घटिया चीजों में पड़ जाते हैं और अपना पैसा वहां गमा के आ जाते हैं। आपको एक बीच में एग्जाम्पल दिखाया था कि एक पूरी गैंग पकड़ी गई थी, उनका क्या था 5000 करोड़ वो इंडिया से बाहर भेज चुके थे, और वो सब यही इन्वेस्टमेंट अर्निंग ऐप। आप ये देखो क्या है इनके ग्रुप में, देखिए आप ये देखो कितने सेंसिबल लोग हैं, शॉल उड़ाई जा रही है, देखो आप ये टीम देखो, सब एजेड लोग हैं, देखो ये सारे एजेड लोग हैं और ये सारे इनके शिकार बनाए जाते हैं। आप देख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बच्चे शिकार इसके, मतलब बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, मतलब इस तरह से ये रोग फैला दिया गया है। ये चैरिटी के नाम पे, ये देखो आप चैरिटी के नाम पे चीजें बट रही हैं, RGA की डिश, मतलब जिसका जिस कंपनी को अता पता नहीं है कि हमारे नाम पे क्या चल रहा है, उसके नाम की टी शर्ट भी छप गई है, उसके नाम के ID कार्ड भी बट गए हैं, लोग ID कार्ड टांग टांग के चल रहे हैं। इसके पहले फिलिप्स, जॉनसन जॉनसन, 7-Eleven कितनी कंपनियां बंद कराई हैं, थोड़े दिन पहले सेंट लुइस को लिखा था। तो जितनी भी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े कंपनीज के नाम पर इन्वेस्टमेंट लेते हैं, सारी फ्रॉड है, और आगे भी ये बंद नहीं होने वाला। अब तक इन्होंने मार्केट में और 2-3 लॉन्च कर दी होंगी, और वही सेटअप पैटर्न है, वही सेटअप एफिलिएट्स हैं, वही सेटअप यूट्यूबर्स हैं, जिनको शुरुआत में पैसे देकर के बोलते हैं प्रमोट करो, फिर एक समय के बाद ये खुद ही PR कराते हैं कि ये भाग गई, ये दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो जो लोग जो कट जाते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगली बार मैं स्मार्ट हो जाऊंगा और मैं पहले ही दाना चुक करके आ जाऊंगा, पता चला अगली कंपनी 2 दिन में धप्पा बोल के चली जाती है और उसमें भी इन्वेस्टमेंट घुस जाता है। ये देख लो आप, RGA ऑफिशियल सेमिनार इन दिल्ली 29 अक्टूबर को, वेन्यू भी बताया हुआ था, शाह ऑडिटोरियम नियर सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। ये देखो चैरिटी हो रही है, ये महिलाएं, गरीब महिलाएं, इनको क्या है, ये तो जाके लेंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो चैरिटी कर रहा है,
इतने मंदबुद्धि हो क्या तुम, मतलब इतना तुमको समझ में नहीं आता है कि मतलब अब ये चैरिटी किसके पैसों से कर रहे हैं, ये तुम्हारे पैसों से कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है ये कहीं से पैसे लेकर के आते हैं? कहीं से पैसे लेकर के नहीं आते, तुमसे ही लेते हैं, तुम्हारे ही पैसों को घुमाते हैं, इसकी टोपी उसके सर करते हैं, और उसके बाद आखिरी में जब एक लेवल पर पहुंच करके एक बड़ी श्रृंखला बन जाती है, जिसको कि मैं बताता आया हूं कि पोंजी स्कीम है, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, वहां भी लोगों की गाली गलौज चल रहे हैं, कोई लॉजिकल बिजनेस नहीं है, कंपनी रेवेन्यू जनरेशन कैसे कर रही है किसी को नहीं समझना, सब लोग मंदबुद्धि हो जाते हैं थोड़ा सा पैसा देख करके, कंपनी तो पैसे दे रही, मतलब वो एक टैगलाइन है ना जो कि विड्रॉल तो आ रहा है, ये देखिए आप बड़े बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट्स में, अच्छा उनकी भी चांदी है होटल वालों की, उनको क्या फर्क पड़ता है कि फर्जी लोग हैं कि असली लोग हैं, और तो और कई कई जगह पे तो ऐसा भी है कि पुलिस वालों को भी लाके बिठा दिया जाता है, बताया जाता है कि देखो अगर हम फ्रॉड होते तो क्या ये पुलिस वाले आते, अरे भाई क्या पता उनको, हर कोई इन्वेस्टिगेशन करने तो आ नहीं रहा, और कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार है, बुला लिया आ जाओ बैठ जाओ, फोटो खिंचा ली यहाँ डाल दी ला करके, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उनके स्कूल में जा रहे हैं, उनको बस्ता गिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग बोलोगे तो अच्छी बात है, अरे अच्छी बात क्या है, किसी का लूट के किसी को दे दो, हम भी हमको भी दो ला करके पैसा, हमको भी दे दो 1 करोड़ रुपए, हम भी 50 लाख की चैरिटी कर देंगे, बाकी 50 लाख रुपए हम खा जाएंगे, तो वही बिजनेस है इनका, यही चल रहा है यहाँ पर, मतलब दिखने के लिए जो 50 लाख की चैरिटी दिख रही है, लेकिन पीठ पीछे जो 500 करोड़ रुपए लेके जाएंगे वो किसी को नहीं दिखेगा, तुम सब अंधे हो अगर, और तुमको जगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोग ऐसे हो जो आके गाली ही लिखोगे, अगर मैंने ये वीडियो तब बनाया होता जब ये नहीं भागी थी, मतलब उनको मेल लिखने से पहले, ये सारी प्रक्रिया करने से पहले मैंने वीडियो बनाया होता, तो लोग कहते तुमने अपोजिट कंपनी से पैसा ले लिया है, तुम जलते हो, तुम हमको कमाने नहीं देना चाहते हो, और तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मूर्ख हो, भाई इस लेवल की इनकम कौन से दुनिया में होती है बताओ मुझे पहले, और कोई भी कंपनी 25% का रिटर्न कहाँ से ला करके देगी, अरे अक्कल लगाओ, अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया के सारे काम खत्म हो जाते, सब लोग इन्हीं फर्जी, अरे जिस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं, कोई डोमेन नहीं, कहीं rga44.com, कहीं rga099.com, इतने डोमेन में, मतलब यूट्यूब में क्या है कि लोग डालते नहीं है लिंक, टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ चलता है, इतने लिंक निकाले मैंने भाई, अलग अलग लिंक, इतने लिंक निकले वहां से, पता चला कि जो है अब देखो ग्रैंड ओपनिंग चल रही है ये ऑफिस की, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग है, ये देखो ये प्रॉपर बैठ के पूरी मीटिंग हो रही है, ये नागालैंड या कहीं उधर का है मेरे ख्याल से, वहां पर ओपनिंग की है, एक से एक सेंस में लोग बैठे हैं, देख करके तरस आता है इन लोगों पे कि कैसे फंस जाते हैं इसमें यार, मतलब पैसा इतनी बड़ी चीज है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे, एनीवेज अच्छी बात है अगर कर लेते हो तो, उसका तो हर जाना तुमको ही भुगतना है, मेरा काम तो सिर्फ अवेयर करना है, मैं अवेयर करके चला जाऊंगा। देखो आप ये ऑफिसेज ओपन, अब क्या होगा इन ऑफिसेज का, इन फ्रेंचाइजीज का, ये स्कूल देखो ये नागालैंड का है, ये है ना नॉकलैक नागालैंड इंडिया, बकायदा स्कूल में चैरिटी हो रही है, किसके पैसों से हो रही है, जो तुमसे ठगे जा रहे हैं वो हो रही है, बाकी करोड़ों में पैसा चला गया, अभी भी अगर बुद्धि है तो ये पैसा जो मांग रहे हैं 450 से लेकर 13 लाख रुपए तक, ये इस उम्मीद में मत डाल देना कि 25 तारीख को कोई विड्रॉल आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला, ये देखो आप किसी दफ्तर में कोई, शायद मेरे ख्याल से ये पुलिस आयुक्त हैं ये, ठीक है ना, हाँ पुलिस आयुक्त हैं, इनको फूल भेंट करते हुए आरजीए की टी शर्ट पहन करके, अब ये फोटो यहाँ पर इस्तेमाल कर ली जाती है दिखाने के लिए कि देखो भैया हम तो कितने जेन्युइन हैं, ऐसे ऐसे चीफ गेस्ट बुला लिए जाते हैं इवेंट्स में, कोई नेता है कोई राजनेता है, भाई मान लो तुमको मूवी प्रमोट करनी है, आप किसी अभिनेता को बुला लाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो आ ही जाएगा, उसको ऑडियंस चाहिए, अगर कोई मेरा अगर कोई पहचान का नेता है, मैं अगर आंख बंद करके इसमें बिलीव कर रहा हूं और मैं उसको बोल दूंगा भाई तू आ जा, तो वो मेरे विश्वास पे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रमोट कर रहा है, उसने ज्वाइन कर लिया, पर दिखाने के लिए हो जाता है, फोटो डालने के लिए हो जाता है, और लोग इसमें गुमराह होकर चले जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है और ये अंत भी नहीं है, ऐसे आते रहेंगे, हम लोगों के लिए काम बरकरार रहेगा, हम भी कोशिश करते रहेंगे अपनी तरफ से कि आपको अवेयर कर सकें, और आप भी अपना काम जारी रखो, गाली गलौच वाला और सारी चीज़ जो आप करते हो, डू दैट नो प्रॉब्लम, इतने खाली हो तुम। अच्छा, और जो लोग इसमें फंसते हैं ना इन सब चीज़ों में, उनकी एक विशेषता ज़रूर है कि सभ्य भाषा में बात करनी ही नहीं आती, लॉजिकल कंक्लूजन कुछ होता ही नहीं, देख लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, फलाना कर देंगे, बस इतनी ही भाषा आती है, बस तुम गाली गलौज करो, तुम्हारा बस वही भविष्य है, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे बहेलिया आते रहेंगे और तुम्हारा काट के जाते रहेंगे, और तुम अपना कटवाते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है
कम से कम वो लोग जो इसमें नए हैं, जिनको तुम फंसा फंसा के लाते हो, जिनका ज्यादा इंटरनेट पे एक्सप्लोजर होता नहीं है, तो वो बेचारे क्या है, जैसे ये बुजुर्ग लोग हैं, कुछ दादी को पकड़ा दिया, दादी इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार पैसे डाल दो 1800 रुपए रोज, इत्याते रहेंगे। दादी बोले अरे वाह बहुत अच्छी योजना है ये, तो दादी डाल देती है पैसा। तो ऐसे लोगों को बचाने का काम है कि भैया कुछ लोग जो सच में कुछ समझदारी दिखा सकते हो, बच सकते हो तो ठीक है, बाकी जिसको नहीं बचना है वो, उसको कितना तुम सच्चाई दिखा लो, जन्नत दिखा दो, वो नहीं मानने वाला है। तो आज दिखा चुका हूँ मैं आपको, ये सब चाइनीज वेबसाइट है, इंडिया से करोड़ों रुपए भारत से बाहर जाता है, रोज जाता है, और आतंकवादी गतिविधियों में भी इन पैसों का इस्तेमाल होता है। तो तुम एक तरफ तो झंडा लगाते हो 15 अगस्त 26 जनवरी पे, और दूसरी तरफ इन लोगों को जाके पैसा देकर के आते हो कि जाओ हमारे खिलाफ पैसे इस्तेमाल करो जाकर के। तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, सच्चाई दिखा दी, बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को शेयर कर दिया करो, शायद साइबर क्राइम का रेट थोड़ा सा कम हो जाए। और अंत में फिर से वही अपील है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज साइबर सुरक्षित रहिए।